तो WPL ऑक्शन है मुंबई में 2024 के सीजन के लिए, और कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिन पर सबसे बड़ी बोली लगेगी, सबकी नज़र इसी पर है, क्योंकि इस रेस में 165 खिलाड़ी शामिल हैं जिसमें से 104 खिलाड़ी भारतीय हैं और 61 खिलाड़ी जो हैं वो विदेशी हैं जिनमें से एसोसिएट नेशन के खिलाड़ी भी हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि कौन से खिलाड़ी होंगे जो सबको सरप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पिछले ऑक्शन की अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना WPL हिस्ट्री की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं जिन्हें 3.40 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा था, और अब क्या ये रकम जो है इसको कोई खिलाड़ी क्रॉस कर पाता है, कौन सा सरप्राइज पिक होगा, क्योंकि अगर 3-4 खिलाड़ियों की हम बात करें तो इन पर सभी की नजर रह सकती है। सबसे पहले है यहां पर मन्नत कश्यप, 19 साल की ये खिलाड़ी सरप्राइज कर सकती है सभी को, क्योंकि जो अंडर-19 वर्ल्ड कप था उसमें चैंपियन टीम का हिस्सा थी और इंग्लैंड के खिलाफ भी अब जो सीरीज चल रही है उसमें ये खिलाड़ी शामिल की गई है, तो अब यहां पर सरप्राइज पिक हो सकता है मन्नत कश्यप का, इन पर बड़ी बोली लग सकती है। कौन सी टीम में जाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। 5 टीमें हैं WPL में जिनमें जो पहले सीजन की चैंपियन टीम थी मुंबई इंडियंस रही थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, दिल्ली कैपिटल्स है, यूपी वॉरियर्स है और गुजरात जायंट्स हैं। तो देखना होगा, बड़ा ये दिलचस्प चीज़ रहेगी देखने वाली कि कौन से खिलाड़ी पर सबसे बड़ी बोली लगेगी। दूसरा जो सरप्राइज पिक हो सकता है वो चमारी अट्टापट्टू का हो सकता है। श्रीलंका की ये खिलाड़ी पिछली बार WPL ऑक्शन में अनसोल्ड गई थी, लेकिन इस बार इनके हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए इन पर भी बड़ी बोली लग सकती है। इसके अलावा जो एक और खिलाड़ी है देविका वैद्य, इंडियन टीम में ये खिलाड़ी अपना जलवा कई बार दिखा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये माना जा रहा है क्योंकि यूपी वॉरियर्स ने उन्हें रिलीज़ कर दिया। अब देखना होगा कि क्या उन पर भी बड़ी बोली लगती है। तो ये कुछ खिलाड़ी रहेंगे बड़े जिन पर सबकी नज़र रहेगी। एलिस पेरी समेत जो बड़े खिलाड़ी हैं वो रॉयल चैलेंजर्स टीम का हिस्सा हैं, तो बैंगलोर की टीम भी चाहेगी कुछ खिलाड़ियों को पिक करना जो कि उनकी टीम को शानदार बनाए। तो अब देखते हैं कि WPL का जो ऑक्शन होगा उसमें कौन से खिलाड़ी सबको सरप्राइज करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NDTV।